मेरा नाम सेवती पन्ना है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट भारत के मध्य और पूर्वी भाग में है। यहाँ हम अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जानवरों को, जलवायु को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और जसपुर बचाओ जनसंघर्ष समिति की मेंबर हूँ। इस संगठन के माध्यम से हम फिफ्थ शेड्यूल जो अपना छत्तीसगढ़ है इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले तो कंपनी के जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम ज़मीन देना नहीं चाहते, इसलिए हम लाइसेंस के लिए भी आपत्ति डालते हैं। और दूसरी ओर सरकार बहुत सारे ऐसे कंपनियों को निजी ज़मीन अधिग्रहित कर लेती है अपने लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से, और बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, इसके बाद वो कंपनियों को हैंडओवर कर देती है। इस तरह से हमारे साथ छला जा रहा है, सारी बातें गोपनीय तरीके से की जाती हैं जिससे हमें पता नहीं चलता और हम समय पर अपनी ज़मीन को बचा नहीं पाते। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो कोई भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता है, अपने ज़मीन को बचाने की कोशिश करता है, वो नक्सली कहलाता है और ये गवर्नमेंट के टारगेट में रहता है, पुलिस फोर्स इनके पीछे रहती है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ सेक्टर के लोग हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, इन ये सारे लोगों को टारगेट में रखती है। जो कोई भी लोकल लेवल पे किसी के प्रॉब्लम में हेल्प करेगा वो सब नक्सली कहलाता है, और ऐसे लोग चिन्हित करके अरेस्ट कर लिए जाते हैं। बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है। बस्तर में अकेला 644 गांव ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी लोग नहीं हैं, वहां लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ की मीडिया कहती है कि छत्तीसगढ़ में अकेला 3000 से ज़्यादा नक्सली के नाम से लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें कि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इस तरह से हमारी जो सफलता है कि हमने 2-3 क्रेशर उद्योग बनने नहीं दिया, इसको रोका है, लीज हमने खारिज करवाई है, और इस तरह से फिर भी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। जिंदल मित्तल एसआर कंपनी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, बहुत सारे जमीन वहाँ एमओयू साइन हुए हैं। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कहती है कि हम छत्तीसगढ़ को भारत का पावर हब बनाएंगे, और इसीलिए वहाँ पे 78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एमओयू साइन हुए हैं। इसमें सारी नदियाँ बिक गई हैं, बहुत सारे कोयला खदान माइनिंग की गई है जिससे कोयला निकाल के विद्युत उत्पादन का काम किया जा रहा है, और लोगों को ऐसे अफेक्टेड लोग हैं, इनका पुनर्वास नहीं हुआ है, ये रिहैबिलिटेशन इनकी नहीं हो पाई है, इन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है, ये सारे लोग कहाँ गए हैं कोई नहीं जानता है। तो मेरी गुजारिश ये है पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों से, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारे लोग एक साथ मिलके ऐसे जो विक्टिम्स हैं इनकी हेल्प करें, हम उनके लिए एडवोकेसी करें, और हम गवर्नमेंट के पास जाके ये बोलें कि ये जो डिस्प्लेस्ड हैं ये लोग भी आपके लोग हैं, आपने चंद लोगों के विकास के लिए, कंपनियों के विकास के लिए इतने सारे लोगों का विनाश किया जो कि अच्छा नहीं किया, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है। थैंक यू।